जबरदस्त सफरनामा की शुरुआत हो चुकी है। 15 दिन का सफर शुरू हो चुका है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का, और आपके सामने अब क्रॉस हो रही है जो पूरा ऑपरेशन हमारी ट्रेन का हैंडल करते हैं। शैलनी सर, जानना चाहेंगे आपसे कैसे आप ट्रेन मैनेज करने वाले हो, क्या क्या होने वाला है। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 21 मार्च, और आपके लिए एक और इंडियन रेलवेज की वेब सीरीज ये हो गई नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड गुवाहाटी, 14 nights 15 days की ट्रिप, और आपके लिए बैक टू बैक धमाल कंटेंट। आप ये मानिए हम कवर करने वाले हैं लगभग 5 different states। तैयार हैं, शुरू करें। देखिए आपको स्टाइल बता दो, कम ऑन, रामायण एक्सप्रेस, दिव्य काशी, गर्वी गुजरात, और अब आपके सामने नॉर्थ ईस्ट की वेब सीरीज। आपको स्टाइल बता दो, कमन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूं आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देख लो, आपको गाना सुनाई दे रहा होगा, परफॉर्मेंसेस चल रही है। भाई साहब, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का तो मजा ही अलग है, और आपके लिए बैक टू बैक व्लॉग्स, और इस बार आपको घुमाएंगे पूरा नॉर्थ ईस्ट। इस बार मैंने सोचा चलिए आपके लिए कुछ अलग करते हैं। सफदरजंग स्टेशन हो गया, बाहर वेलकम देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको जल्दी से दिखा दूँ, जो जो पैसेंजर्स आते हैं उनका कैसे यहाँ पर स्वागत होता है आप देखिएगा, बिकॉज दिस इज़ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पैसेंजर्स का प्रॉपरली वेलकम होता है। माला हो गई, रोज़ पेटल्स हो गए, और यहाँ पर जो भी आप लगेज कैरी कर रहे हैं एक बार पूरा यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगा, और फिर डायरेक्टली आप यहां पर एंट्री कर जाएंगे। आप पूरा एम्बियंस यहां देखिए, जितने भी पैसेंजर्स हैं अभी बताया जा रहा है अराउंड 100 कुछ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होंगे, एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर पूरा इवेंट चल रहा है, आप देख लीजिए, बता रहे थे कि रेलवे मिनिस्टर सर आएंगे, बट यहां पर अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाली हैं, वो हमारी ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। कुछ पैसेंजर्स देख लीजिएगा, कुछ मिलते चलो साथ जी कुछ पैसेंजर्स यहां पर ऑलरेडी हमारे साथ यहां पर आते हुए स्वागत होगा। यहां पर छोटा बहुत एक रेलवे की तरफ से इवेंट होगा, ट्रेन आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, अभी ट्रेन को ओपन नहीं किया गया, सब तैयारी चल रही है, खाना पीना बोर्ड किया जा रहा है, सब IRCTC का पूरा स्टाफ यहां पर देख सकते हो, बिकॉज दिस इज भारत गौरव AC डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन। जिम्मेदारी बड़ी है, सब आप देखो पूरा प्रिपरेशन यहां पर चल रहा है, और किस तरह हमारी ट्रेन को सजाया गया है आप पूरे व्लॉग्स देखिएगा, दिस इज भारत गौरव। और इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, ऐसी जगह ये मानिए जहाँ मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी, और जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट जरूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की बात हो और अच्युत सिंह सर से मुलाकात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, और बता दूँ बुकिंग्स वगैरह सब कुछ ये हैंडल करते हैं। सर, सबसे पहले जो पैसेंजर अब ट्रैवल प्लान बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड गुवाहाटी, कॉस्टिंग का सर आपसे जानना चाहेंगे, पैसेंजर्स की कॉस्टिंग क्या है। देखिए 15 दिन का ये टूर है, और इसमें जो सेकेंड AC है उसकी टूर प्राइस पर पर्सन 1,07,000 रुपीज़ है जी, और जो फर्स्ट AC है उसकी टूर प्राइस पर पर्सन 1,32,000 रुपीज़ है, जो कि ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें ट्रेन जर्नी के अलावा ऑन बोर्ड, ऑफ बोर्ड, होटल, ट्रांसपोर्ट, AC बसेज, इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पैकेज प्राइस। सब कुछ इंक्लूडेड है जी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कितना पे किया, वेट कीजिएगा आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा। बट सर, करंटली ऑन पैसेंजर हमारे साथ कितने चल रहे हैं इस टूर में? इस बार इस ट्रेन में 79 टोटल पैसेंजर हैं, ऑफिशियल कमर्शियल पैसेंजर। यस, और सर सेकेंड AC में और फर्स्ट AC में अंदाजा कितने कितने? सेकेंड AC में लगभग 54 हैं जी, और रिमेनिंग सारे फर्स्ट AC में, रिमेनिंग फर्स्ट AC। अब सर कंपेयर करेंगे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एज कम्पेयर टू रामायण कह लीजिए, दिव्य काशी,
बाकी जितनी ट्रेन जा रही हैं, हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। सर कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन या कोई सबसे बड़ी हाईलाइट इस ट्रिप की जरा हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए नॉर्थ ईस्ट तो अपने आप में इतना सुंदर है, इतना कुछ देखने के लिए है वहाँ पे जी, कि हर एक चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। और हम इसमें 5 स्टेट कवर कर रहे हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। और लेकिन अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि इसमें जो त्रिपुरा की एक साइट है उनाकोटी जी, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और विरासत स्थल है, तो वो एक ऐसी साइट है जो मैं जिसको बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, वर्चुअली वो भी आपको दिखाया जाएगा। बट हमारे अच्छे सिंह सर के लिए एक लाइक बनता जरूर है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आपसे बस मुलाकात होती रहे सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डोलेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, बस हमारे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए और पूरा सफरनामा, पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखाई जाएगी। दिस इज नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड गुवाहाटी। नाम देखिए, नाम भी कितना मस्त रखा गया। वहाँ सब पूरा फंक्शन चल रहा है, थोड़ी देर में डिग्निटरीज आएंगी और आपको बता दूँ रिफ्रेशमेंट भी मीडिया को, सब पैसेंजर्स को चाय कॉफ़ी वगैरह अभी फिलहाल ऑन प्लेटफॉर्म सर्व किया जा रहा है। अब बता दूँ मेरे को इस बार इन्होंने कौन सा दिया है, मैंने लिया है फर्स्ट एसी, कोच हो गया H3। चलिए अब आपको छोटा सा एक टूर, पहले भी मैंने आपको कई बार दिखाया है बट इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपको दिखा दूँ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का ये फर्स्ट एसी। देख लीजिएगा जैसा नॉर्मल ट्रेन में आपको मिलता है बिल्कुल वही है, केबिन हो गया प्लस कूपे हो गया। लकीली थैंक यू इंडियन रेलवेज जो मेरे को दिया गया है, कहाँ गया, हाँ जो मेरे को दिया गया है दैट इज डी, ये हो गया कूपे, डी फॉर डोलेश आपको पता ही है। तो ये मेरे को दिया गया है कूपे, आप देख लीजिए, लिनन हो गई, टावल वगैरह सब कुछ, फर्स्ट क्लास पानी की बॉटल, स्पेस वगैरह आप देख लीजिएगा। और ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ देखने को मिलती है ना, मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है। एक आप राजधानी में ट्रैवल कीजिए फर्स्ट क्लास में कूपे में, और आप एक ट्रैवल कीजिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में, मज़ा ही अलग है जनाब। अब तो ऐसा हो गया है जितना टाइम मैं अपने घर पे नहीं बिता रहा जितना टाइम मैं भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में बिता रहा हूँ। इस सीरीज़ के बाद आपके लिए एक और वेब सीरीज, आप देखते जाइए, लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब किया करो यार। लोग पता नहीं लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, यहाँ पर सब नज़ारे, ट्रेन चलने दीजिए, पूरा आपको दिखाया जाएगा। सो मेरे को दे दिया, दिस इज कूपे आप फर्स्ट क्लास, थैंक यू, थैंक यू। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में अगर आपको इनसे नहीं मिलाया तो फिर हमने क्या जर्नी की। हमारे साथ शैलेंद्र जी मौजूद हैं जो पूरा ऑपरेशन हमारी ट्रेन का हैंडल करते हैं। शैलेंद्र जी जानना चाहेंगे आपसे कैसे आप ट्रेन मैनेज करने वाले हो, क्या क्या होने वाला है। अभी तो जस्ट अभी दिल्ली सफदरजंग रेलवे से अभी 3:20 का टाइम है जो कि गाड़ी डिपार्चर होगी, उसके बाद फिर गाजियाबाद वहाँ से डीबोर्डिंग होगी, तो वहाँ पे कुछ पैसेंजर इसमें चढ़ेंगे और वहाँ पे जो इंजन गार्ड है वो भी चेंज होगा। अच्छा, हाँ अभी इतना ही हमारे पास शेड्यूल है, उसके बाद आपको बताते रहेंगे। अभी आप देखते जाइएगा शैलेंद्र जी, मानिए कंट्रोल रूम से आप डील करोगे जी। ट्रेन को कितनी प्रायोरिटी पे निकालना है, किस ट्रेन को लूप पे लगाना और हमारी ट्रेन को निकालना जी, सब कुछ ये हैंडल करते हैं। आप पूरी सीरीज देखिएगा, आगे इनसे भी आपको बातचीत कराई जाएगी। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, हाँ ये इतने बिजी चल रहे हैं, पूरी फाइल वगैरह आप देखो, बट आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। यही है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का कमाल, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिग थैंक्स टू IRCTC चेयरमैन मैम रजनी मैम और रेलवे मिनिस्टर सर एंड ऑल्सो टू द प्राइम मिनिस्टर। आपको पता ही है जो रेलवेज में बदलाव देखने को मिल रहा है ना, मतलब कहाँ नहीं जा सकता। दिस इज #, देखो अपना देश। बिल्कुल राइट टाइम, हमारी ट्रेन नंबर 00412 नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड गुवाहाटी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन डिपार्ट होने के लिए तैयार। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा रेलटेनमेंट और आपके लिए एक और वेब सीरीज। मतलब आज ही कहूँगा, पता नहीं मैं कितनी बार इस ट्रेन में आ चुका हूँ, बट एवरी टाइम आई कम एक नई वाइब होती है, एक नया मज़ा। और इस बार आपको लेके चले नॉर्थ ईस्ट, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए ट्रेन को आई गेस रोक दिया, कुछ पैसेंजर्स अभी वो बोर्ड करेंगे, बट आपके लिए
जबरदस्त सफरनामा की शुरुआत हो चुकी है। 15 दिन का सफर शुरू हो चुका है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का, और यहाँ पर खाने को ना जाने कितना मिलेगा, तीनों टाइम भरपूर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सफर से, सफर की एक कड़क कॉफी से। ट्रेन से, ट्रेन ने पकड़ी रफ्तार, कचौड़ी हो गई, सैंडविच, चीज सैंडविच, और ध्यान रखिए सब कुछ पेंट्री कार में बिल्कुल फ्रेश बनाया जा रहा है। ये है इस ट्रेन का डाइनिंग ऑन व्हील्स आप कह लीजिए, रेस्टोरेंट का, जहाँ पर आपको एकदम फ्रेश फूड सर्व किया जाता है। अभी तो आप देखते जाइएगा, इतना लंबा सफ़र है, ना जाने कितने किलोमीटर्स हम कवर करेंगे, और हर जगह खाना सर्व होगा, होटल्स में ऑन बोर्ड सब कुछ आपको वर्चुअली पूरा दिखाया जाएगा। और अगर आप फूडी है, अगर आपको खाना पसंद है, और अगर आपको रेलवेज पसंद है, और आपको नज़ारे पसंद हैं, तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इज़ फॉर यू। भाई साहब यहाँ बैठ गए ना, एक अलग ही वाइब आती है, सच बता रहा हूँ, जो वाइब आपको शायद प्लेन में भी नहीं आएगी, वो वाइब यहाँ आती है। हमारी भारत गौरव ट्रेन को रोक दिया गया है, लूप लाइन, स्टेशन है दनकौर, और आपके सामने अब क्रॉस हो रही है वन टू फोर टू फोर डिब्रूगढ़ राजधानी। क्या बात है, मजा आ गया। अरे भाई साहब मजा आ गया, ये गई डिब्रूगढ़ राजधानी, अब लूप लाइन पे डाल दिया, अब पता नहीं यहाँ से कौन कौन सी राजधानी क्रॉस होगी, बिल्कुल मेन लाइन पे खड़ा कर दिया। स्टेशन है दनकौर, भाई साहब ये है रेलवेज का मजा, ये है हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। अब देखते हैं शायद हमारी ट्रेन को प्रायोरिटी दे तो मेन लाइन पे डाला जाए या फिर और राजधानी आएंगी, देखते हैं। सियालदा आने वाली है, अरे भाई साहब आपको दिखाएंगे आज तो। ऐसा लगता है ये तो हमारी बिल्कुल तौहीन कर दी गई है, ट्रेन नंबर 2, ये हो गई 1 2 3 1 4। अब आपके सामने पेश करने में जा रहा हूं सियालदा राजधानी, रेडी 3 2 1। क्या बात है, एक और ट्रेन क्रॉस करती हुई, मजा आ जाता, एक ट्रेन जर्नी लवर से पूछिए इस चीज का मजा। सियालदा राजधानी ये मेरी अभी पेंडिंग है, इसमें मैंने अब तक ट्रैवल नहीं किया है, बट होपफुली मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। एक और फाइनली 2 ट्रेन क्रॉस होने के बाद हमारी भारत गौरव ट्रेन को दिया गया ग्रीन सिग्नल और स्टेशन से रवाना होने के लिए तैयार। जैसा मैं आपसे कहता हूँ, ये है ट्रेन जर्नीज का मज़ा और ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का मज़ा। यहाँ पर ना आपको सिर्फ रेलवेज़ के बारे में सीखने को मिलता है, बल्कि यू ऑल्सो गेट टू लर्न अबाउट डेस्टिनेशन। चलिए एक बार फिर से सफ़रनामा की शुरुआत होती हूँ। करंट वक्त 8:15 और यहाँ पर अब फर्स्ट क्लास, सबसे पहले बता दूँ सूप सर्व किया गया है, टोमेटो सूप विद ब्रेड स्टिक, और यहाँ पर भोजन, आज की डिनर, दैट इज़ मील नंबर 2 आप कह लीजिए, फूड नामा, ये पीली दाल हो गई है, पनीर की सब्ज़ी, राइस, पराठा आपको मिलेगा, सूखी सब्ज़ी और सैलड वगैरह, प्लस कर्ड वगैरह जो भी आप लेना चाहें। और फिर से बता दूँ सब कुछ टिकट में इंक्लूडेड है, प्लस ये देखो एक स्टेशन और स्किप होता हुआ, और सब कुछ फ्रेश बिल्कुल पेंट्री कार में बनाया जा रहा। हमारे संग मोहित भाई मौजूद, थैंक यू सो मच मोहित भाई, एक बार सूप कैसा जरा जानना चाहेंगे। ये तो वही आपका नॉर वाला सूप है, जो पैकेट वाला जो सूप होता है ना, यही है। अगर आप घर पे भी ये 10 रुपए खरीद के लाओगे तो वही सेम टेस्ट मिलेगा। अगर वो पेंट्री में बना हुआ रहता तो उसका रिव्यू देने में अच्छा लगता, बट मैं काफी एक्साइटेड हूँ डिनर का रिव्यू करने के लिए। यस, डिनर का रिव्यू तो हम भी पब्लिक को देंगे, बट थैंक यू सो मच मोहित भाई, और यहाँ पर सब एकदम फर्स्ट क्लास, एके पाजी के संग भी हमारा पूरा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं डोलेस भाई को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ डोलेस भाई को, और जैसा डोलेस भाई कैमरा में दिखते हैं ना भाई, रियल में उनसे मिल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ डोलेस भाई बिल्कुल भी कैमरा में दिखाते कि ये इतना फनी है। लगभग आधे घंटे पहले टुंडला स्टेशन हमने क्रॉस किया है, बिकॉज क्या ज्यादातर कमर्शियल हॉल्ट है नहीं,
टूरिस्ट ट्रेन है, तो ये जाएगी नॉन स्टॉप। यहाँ पर आपको बाहर का ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा नहीं, बाहर हो चुकी है अंधेरा, तो यहाँ पर बाहर के नज़ारे तो लिमिटेड। बट एक बाजी जी, पनीर शुरू हो गया। अरे यार, पनीर 15x2=30 टाइम पनीर खाना है। अरे 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 पाजी, थैंक यू। दाल और पनीर तो भाई साहब अगले 15 दिन के लिए घोल के पानी में घोल के पी जाओ, ठीक है। डिनर वगैरह कंप्लीट करते फिर आपसे देखिए। यार यही है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का मजा, यही है। चिल करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपना भारत देखते रहिए। ये है देखो अपना देश। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम जा रही है। हमारा अब नेक्स्ट स्टॉप है, आई गेस दिस इज कमर्शियल स्टॉप, हाँ दिस इज इटावा। ई स्टेशन कोड हो गया ETW और जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। शुरुआत हुई थी कुछ 1866 में और फिर 1960 के आसपास इसको इलेक्ट्रीफाई किया गया। ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और आई गेस आप देखोगे फिर कोई शायद राजधानी क्रॉस हो रही है, फिर कोई राजधानी। ऐसा कितनी ट्रेन्स ने टेक ओवर किया है पता नहीं। कुछ पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड करेंगे और ये है इस ट्रेन का मज़ा, ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का मज़ा। नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी, अभी तो आप देखिएगा महज शुरुआत है, सिर्फ व्लॉग नंबर 1। और डिनर में गुलाब जामुन दिए गए, खाना पीना घूमना सब कुछ आपको सिर्फ एक ट्रेन में मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाता है। थोड़ा बहुत आप घूम सकते हैं, डिनर किया है, थोड़ी बहुत वॉक करेंगे, ये भी आपको मिलेगा। अभी तो सिग्नल रेड है, काफ़ी टाइम लगभग 5 से 10 मिनट का यहाँ पर स्टॉप दिया गया है। जल्दी जल्दी जल्दी, शायद कोई और राजधानी, पता नहीं, राजधानी नहीं है, कोई और। अरे मजा आ गया, क्या बात है, इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इटावा के मजा आ गया। डिनर भी हो गया, आपको स्टेशन भी दिखा दिया, अब फिलहाल यहाँ कुछ और करने के लिए है नहीं। पूरे कूपे में एकदम सन्नाटा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से CCTV कैमरास प्लस डोर्स लॉक्ड, तो कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं। अभी हम कानपुर स्किप करेंगे, फिर लखनऊ क्रॉस करेंगे, तो डे 1 का फिलहाल के लिए इतना ही। हम जाएंगे कंचनजंगा प्लस काजीरंगा नेशनल पार्क की सफारी भी हम करने वाले हैं, आप देखिएगा आगे आइटनरी में क्या है वो आप व्लॉग्स में देखते जाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है ज़रूर कीजिए, बिकॉज जितने भी बिहाइंड द सीन्स एक्सक्लूसिव हैं ऑफ दिस ट्रेन प्लस ट्रिप, वो सब आपको फेसबुक पर देखने को मिलेंगे। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तुरंत फॉलो कीजिएगा और एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ बहुत थोड़ा बहुत आराम करेंगे, एडिटिंग करेंगे और आपसे मिलेंगे अब कल सुबह। गुड नाइट।
A very good morning guys, this is day 2 of North East Discovery. Station आपको बता दूँ, स्टेशन है जगत बेला, ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, ट्रेन रुकी, सिग्नल रेड, तो मैंने सोचा चलिए इस वाले ब्लॉग की डे 2 की शुरुआत यहाँ से करते हैं. बताइए आपको और क्या चाहिए, सुबह सुबह के नज़ारे देखिए, परफेक्ट सनराइज़ देखिए, ये है रेलवेज़ का कमाल. और आपके साथ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, हाथ में कॉफ़ी और पीछे के ये नज़ारे, ये देखिए, ये है इनक्रेडिबल इंडिया. एंड बाय एनी चांस इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आई एम श्योर आप ये मिस कर रहे होंगे. पूरा स्टाफ देख लीजिए, ये है पेंट्री कार कोच, उस तरफ रेस्टोरेंट कार. सुबह के दादा करीब कितने बज रहे हैं, टाइम क्या हुआ, टाइम भी नहीं पता मेरे को, तो सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, तो सिर्फ 7 बजे सफ़र चल रहा. अरे AK, अरे मेरा AK भी आ गया कॉफ़ी लेके, क्या बात है, आ जाए AK, सच बता रहा हूँ, कैमरे पे बोल दूँ, जिंदगी तो हमारी है बोलना पड़ेगा जी, जिंदगी तो हमारी है, ट्रेन के साथ आओगे तो जिंदगी बदल जाएगी, मजा आ रहा है गर्मा गर्म. AK क्या बात है, लड़की नहीं चाहिए मेरे को, AK चाहिए ये वाला कट भाई साहब, मजा आ रहा है ना, एक तो देख लो सूरज की किरणें और सनराइज, क्या बात. रेस्टोरेंट कार का ना ये मज़ा है, आप ये मानिए, अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने से पैसेंजर्स आए हैं, अब वो यहाँ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और नए दोस्त बनते हैं. तो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. क्या क्या लाया दादा, चाय कॉफ़ी लाया, बस बस, थैंक यू दादा, हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू. चाय कॉफ़ी कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, यहाँ पर आपको जूस फ्रूट्स, आज कटलेट है और प्लस एकदम गर्मा गर्म फ्रेश आपको दलिया भी दिया गया है. और जैसा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो भी सब होगा सब कुछ फ्रेश पेंट्री कार में बनाया जा रहा है, जैम बटर केचप यहाँ ये मानिए खातिरदारी की तो कोई कमी नहीं है. और सुबह करीब 6 बजे जब ट्रेन चल रही थी, हमारे कोचेज में हमारी बर्थ पर कॉफ़ी टी वगैरह भी सर्व की गई थी. ये ज़रूरी है, हाँ जो खातिरदारी है, प्रेजेंटेशन है, एकदम लाजवाब. अब अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं आगे, बस हाँ डालो दादा, कॉफ़ी कड़क पियेंगे एकदम, थैंक यू दादा, हैं कॉफ़ी आप हमारे लिए बना के लाए, थैंक यू सो मच. ये है हमारा नेक्स्ट हॉल्ट गोरखपुर, स्टेशन कोड GKP और अब हम हैं उत्तर प्रदेश में. आपको बता दूं लगभग कितने पैसेंजर्स एवरी डे, 2 लाख पैसेंजर एवरी डे आते हैं और इंडियन रेलवेज़ का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन. और एक और चीज़, बिकॉज ये दिल्ली से गुवाहाटी तक की इतनी लंबी जर्नी है तो पार्ट वन मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, बिकॉज ये वाला व्लॉग ऑलरेडी 26 मिनट्स का हो गया. हम आए हैं गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, हमारी ट्रेन के यहाँ पर लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर अब दोनों को चेंज किया जाएगा. जितने पैसेंजर हैं, कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है, मतलब अलग ही ट्रेन है, वॉशरूम ऑन बोर्ड है, सोचिए आप नहा सकते हैं, ठीक है ना. तो पार्ट वन यही एंड होता है, अब पार्ट टू आपके सामने बहुत जल्द आएगा. कोशिश यही है कि आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स ज़रूर आए. और प्लीज़ फिर बताऊँगा, BTS के लिए अगर फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तुरंत फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितनी BTS वीडियोस हैं सब डाल दिए, तो यहाँ बहुत टाइम लगेगा, ठीक है. मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज, पार्ट वन सोचिए खत्म भी हो गया और पार्ट टू अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से शुरू कर दूंगा. बस यही है, खाते रहिए पीते रहिए और अपना देश घूमते रहिए, ठीक है ना. मिलेंगे आपसे पार्ट टू में.